बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीसीएनपी राउट के लेक्चर नंबर 7 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और हमारा लेक्चर नंबर 7 है ऑन ईआईजीआरपी पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ईआईजीआरपी के डिस्कशन शुरू की थी कि भी ईआईजीआरपी क्या चीज है, राउटिंग प्रोटोकॉल, वी कॉल इट एडवांस राउटिंग प्रोटोकॉल, क्यों उसे एडवांस राउटिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है, व्हाट आर सम बेनिफिट्स ऑफ ईआईजीआरपी ओवर रिप, तो क्यों हमें अपने नेटवर्क में ईआईजीआरपी यूज करना चाहिए। बट अगर आपको पिछले लेक्चर में कुछ कंफ्यूजन है या कुछ प्रॉब्लम है, आपको अंडरस्टैंडिंग में कुछ चीजें समझ नहीं आए, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पिछले लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझ के आए, बिकॉज इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट्स ऑफ ईआईजीआरपी। और ये कंपोनेंट्स कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं थ्रू आउट ईआईजीआरपी राउटिंग प्रोटोकॉल्स। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम इस लेक्चर के अंदर ईआईजीआरपी की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो हम इसके अंदर यूज करते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे कि ईआईजीआरपी के डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कैसे एक राउटर जो है वो प्राइमरी और बैकअप राउट को सिलेक्ट करता है, उसकी कौन सी कंडीशन जो है वो मीट होनी चाहिए। सो इन डिफरेंट चीजों पे हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो डेफिनेटली ये लेक्चर समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ईआईजीआरपी, क्योंकि आपका पूरा जो ईआईजीआरपी का राउटिंग प्रोटोकॉल, इट लाइज बियॉन्ड दीज टर्मिनोलॉजी। सो ईआईजीआरपी को समझने के लिए इन टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आएंगी तो आपको ईआईजीआरपी का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, उसका अंदाजा नहीं होगा कि वो कैसे काम कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट ऑन के ईआईजीआरपी का। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ईआईजीआरपी राउटर के अंदर तीन डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स यूज करता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड अ नेबर टेबल। नेबर टेबल में क्या होता है, सो लेट्स से वी हैव अ टोपोलॉजी लाइक दिस। सो नेबर टेबल के अंदर हमारे पास अपने नेबर की डिटेल होती है, लाइक इस राउटर के पास इस नेबर की डिटेल होगी और इस राउटर के पास इस नेबर की डिटेल होगी, और इस नेबर की डिटेल में मेरे नेबर का आईपी एड्रेस होगा, उसके नेबर के साथ जो रिलेशनशिप में कि भाई क्या मेरे पास जो नेबर तक पहुंचने का जो आरटीटी है, राउंड ट्रिप टाइम है, वो कितना है, क्या कोई पैकेट्स क्यू में तो नहीं है, वो हम सब देखेंगे। जब हम लैब करेंगे तो हम देखेंगे कि जो नेबर टेबल के अंदर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड के एक पहला टेबल जो हमारे पास ईआईजीआरपी के अंदर होता है वो है नेबर टेबल, जिसके अंदर नेबर की डिटेल्स होती है। द सेकेंड टेबल वी हैव इन ईआईजीआरपी इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल में एक्चुअली सारी डिटेल्स जो होती हैं वो टोपोलॉजी टेबल में होती हैं। टोपोलॉजी टेबल में पता होता है राउटर को, लेट्स से कि ये एक राउटर है, ये इस तरह से एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो इस राउटर के पास एक तो इसका नेबर टेबल हो गया जिसके अंदर इन दोनों नेबर्स की डिटेल होगी, दूसरा इसका टोपोलॉजी टेबल। तो टोपोलॉजी टेबल के अंदर इसके पास एक राउट होगा एज अ प्राइमरी राउट, जिसे हम सक्सेसर भी कहते हैं, और दूसरा राउट होगा एज अ बैकअप राउट, जिसे हम फीजिबल सक्सेसर भी कहते हैं। लेकिन बैकअप राउट बनने के लिए उसे कुछ कंडीशंस को मीट करना पड़ता है, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। तो ये टोपोलॉजी टेबल के अंदर डिटेल होती है। उसके अलावा टोपोलॉजी टेबल के अंदर होता है कि प्राइमरी राउट का फीजिबल डिस्टेंस क्या है, एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या है, बैकअप राउट या फीजिबल सक्सेसर का फीजिबल डिस्टेंस क्या है और एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या है, ये सारी डिटेल्स टोपोलॉजी टेबल के अंदर आपको मिलती है। एंड द थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो एक्चुअल ट्रैफिक की फॉरवर्डिंग करता है, विच इज अ राउटिंग टेबल। सो क्योंकि हमारे पास टोपोलॉजी टेबल के अंदर प्राइमरी राउट है, बैकअप राउट है, तो राउटिंग टेबल के अंदर कौन सा जाएगा, राउटिंग टेबल के अंदर प्राइमरी राउट जाएगा, और ये जो भी ट्रैफिक फॉरवर्डिंग करेगा इस नेटवर्क के लिए वो इस पाथ को यूज करके करेगा, क्योंकि ये वाला राउट राउटिंग टेबल के अंदर मौजूद होगा। फॉर एनी रीजन अगर ये राउट राउटिंग टेबल से डिसअपीयर हो जाता है, ये लिंक खराब हो जाता है, ये इंटरफेस खराब हो जाता है, वायर खराब हो जाती है, ड्यू टू एनी रीजन,
ये बैकअप राउट फौरन ही विद इन मिली सेकेंड राउटिंग टेबल के अंदर आ जाएगा और आपकी ये ट्रैफिक रादर देन के वो ये पाथ यूज करे वो इस रास्ते से ट्रेवल करना शुरू कर देगी. सो दिस इज व्हाट वी हैव इन राउटिंग टेबल. सो तीन डिफरेंट टेबल्स होते हैं हमारे पास, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल. नो हमने ये जो कुछ टर्मिनोलॉजीज का जिक्र किया, सो इन ईआईजीआरपी टर्मिनोलॉजी द फर्स्ट थिंग वी हैव इज अ फीजिबल डिस्टेंस. नो मैं पहले क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं. लेट्स से हमारे पास ये है आर वन, वी हैव आर टू हियर एंड वी हैव आर थ्री हियर. अब आर वन, आर टू और आर थ्री से कनेक्टेड है. व्हाट, मैं ये लाइन जरा दोबारा बना दूं. और R2 और R3 ये एक नेटवर्क से कनेक्टेड है यहां पे. अब जो भी ये लिंक यूज हो रहा है, हर एक लिंक की यहां पे कुछ कॉस्ट है. सो लेट्स गिव अ कॉस्ट ऑफ 100 एंड अ कॉस्ट ऑफ लेट्स से 400. You know what? I'll do 200 here and then 400 here. और ये जो लिंक है जो आपके लैन की तरफ जा रहा है, जो स्विच की तरफ जा रहा है, वहां पे आपकी कॉस्ट है यहां पे 20 एंड यहां पे आपकी कॉस्ट है 40. अब जो टर्मिनोलॉजी का हम जिक्र करेंगे, इस राउटर को रेफरेंस बना के करेंगे कि हम इस राउटर से कैसे इस नेटवर्क की तरफ पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस राउटर के पास दो रास्ते हैं इस पर्टिकुलर नेटवर्क की तरफ पहुंचने तक. लेट्स से ये नेटवर्क है हमारा 10.1.1.0/24. सो हमारा ये जो पाथ इस राउटर के पास है वो दो पाथ है, एक तो ये राउटर टू के जरिए जा सकता है और एक ये राउटर थ्री के जरिए जा सकता है. लेकिन हमारे पास ये चीज मेंशन करने के लिए जरूरी है कि इन दोनों पाथ्स की जो कॉस्ट है वो डिफरेंट है. अब लेट्स लुक एट द आवर फर्स्ट टर्म, फीजिबल डिस्टेंस. फीजिबल डिस्टेंस क्या है? फीजिबल डिस्टेंस यहां पे एफ डी होना चाहिए. सो फीजिबल डिस्टेंस क्या है कि हाउ फार इट इज फ्रॉम यू टू रीच द स्पेसिफिक राउट, कि मेरे से वो टोटल कितना दूर है इस पर्टिकुलर राउट तक पहुंचने के लिए. तो मेरी एक कॉस्ट जो राउटर टू की तरफ जो लिंक जा रहा है उसकी कॉस्ट है 200, सो विल बी 200 प्लस देन राउटर टू जो है वो लैन की तरफ लेके जा रहा है एंड उस लिंक की कॉस्ट है 20. सो जो टोटल कॉस्ट मुझे पड़ रही है उस पर्टिकुलर रूट की तरफ ट्रैफिक भेजने के लिए, दैट इज 220. सो दिस इज माय फीजिबल डिस्टेंस फॉर दैट रूट. So, इस राउट के लिए जो मेरा फिजिबल डिस्टेंस है, राउटर वन का जो फिजिबल डिस्टेंस है वो है 220. इसी तरह से इस तरफ अगर हम वही कैलकुलेट करें कि राउटर वन का जो टोटल डिस्टेंस है इस राउट की तरफ पहुंचने के लिए वो है 400 प्लस 40. सो एफ डी इज इक्वल टू 440. So this is what feasible distance is. Then we have advertised distance. So advertised distance का मतलब है कि feasible distance तो हो गया कि मुझे कितनी cost लगेगी route तक पहुंचने के लिए. Advertised distance is कि neighbor को कितनी cost लगी total उस network तक पहुंचने के लिए. तो from your neighbor कितनी cost लगी उस network तक पहुंचने के लिए, that is 20. So, इस राउट के लिए जो एडवर्टाइज डिस्टेंस होगा वो होगा 20. सो इस राउटर के वन के पास इधर से जो एंट्री आ रही है वो है फीजिबल डिस्टेंस, वो है 200, 20 और एडवर्टाइज डिस्टेंस जो कि ये राउटर एडवर्टाइज कर रहा है आर वन को बता रहा है कि भी मेरे से ये नेटवर्क कितना दूर है, 20 दूर है.
एडवर्टाइज डिस्टेंस जो है वो है 20। जस्ट थिंक ऑफ एडवर्टाइज डिस्टेंस के मुझे मेरे नेबर से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो R1 के नेबर से उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मेरे से ये पर्टिकुलर जो नेटवर्क है वो 20 के फासले पर है, तो एडवर्टाइज डिस्टेंस हो जाएगा 20। अब दूसरी तरफ आएंगे और सेम ही चीज हमारे पास, हमने FD तो कैलकुलेट कर ली, फिजिबल डिस्टेंस था हमारे पास 440 एंड एडवर्टाइज डिस्टेंस मीन के मेरे नेबर ने मुझे क्या बताया कि उससे कितना दूर है वो पर्टिकुलर नेटवर्क। सो जो नेबर ने उसे एडवर्टाइज किया वो है 40। सो फ्रॉम द नेबर कितनी दूर है नेटवर्क, दैट्स एडवर्टाइज डिस्टेंस, और उस पर्टिकुलर राउटर से कितनी दूर है, टोटल कितनी दूर है, वो हो गया हमारे पास फिजिबल डिस्टेंस। सो अब इस राउटर के पास दोनों डिटेल आ गई, एक इस राउटर 2 के जरिए और एक राउटर 3 के जरिए। सो ये तो हो गया हमारे पास फिजिबल डिस्टेंस और एडवर्टाइज डिस्टेंस। देन व्हाट इज सक्सेसर, अब ये राउटर क्या करेगा, ये इन दोनों वैल्यूज को देखेगा, कहेगा जिस भी पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट की जो भी मैंने कैलकुलेशन की है, जिसकी भी वैल्यू फिजिबल डिस्टेंस की कम होगी वो सक्सेसर बन जाएगा। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में राउटर 2 से जो आने वाली एडवर्टाइजमेंट है वो उसकी FD बन रही है 220, और राउटर 3 से जो आने वाली एडवर्टाइजमेंट है उसका जो फिजिबल डिस्टेंस उसने कैलकुलेट किया वो बना 440। स्मॉलर कौन सा है, फ्रॉम राउटर 2, तो राउटर 2 का जो ये वाला पाथ है इस नेटवर्क के लिए, ये वाला पाथ ये बन जाएगा सक्सेसर। उसके बाद हमारे पास है फिजिबल सक्सेसर, तो फिजिबल सक्सेसर, अब ये पाथ आप कहेंगे कि भाई ये पाथ फिजिबल सक्सेसर बन जाएगा, बट होल्ड ऑन अ मिनट, फिजिबल सक्सेसर बनने के लिए इस राउट को, इस पर्टिकुलर राउट को एक कंडीशन मैच करनी, मीट करनी पड़ती है, विच इज कॉल्ड अ फिजिबल कंडीशन, फिजिबल कंडीशन। अब फिजिबल कंडीशन क्या है, फिजिबल कंडीशन इज टू बिकम फिजिबल सक्सेसर एडवर्टाइज डिस्टेंस AD must be less than feasible distance FD of successor. ज्यादा confused तो नहीं कर दिया, let's look at it together. So to become a feasible successor, advertised distance must be less than feasible distance of successor. अब ये condition match होगी तो ही कोई भी particular जो path है, कोई भी particular route है, वो feasible successor बनेगा। अगर ये condition match नहीं होगी तो वो feasible successor नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा उसको भी देखते हैं आगे जाके। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में एडवर्टाइज डिस्टेंस, ये राउटर जो एडवर्टाइज कर रहा है वो क्या है 40, और हमारे पास जो सक्सेसर बना है वो ये वाला राउट बना है, सक्सेसर का फिजिबल डिस्टेंस क्या है 220। क्या 40 इज स्मॉलर देन 220? यस ऑफ कोर्स 40 इज स्मॉलर देन 220। दैट मींस कि ये पर्टिकुलर जो पाथ है, ये पर्टिकुलर जो राउट है, ये फिजिबल कंडीशन को मीट करता है और ये बन जाएगा हमारे पास फिजिबल सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर। अब
जब आप अपने टोपोलॉजी टेबल को देखेंगे, जैसे हमने पहले कहा कि हमारे पास सीआईजीआरपी में तीन टेबल है, नेबर टेबल, राउटिंग टेबल, टोपोलॉजी टेबल, तो टोपोलॉजी टेबल के अंदर आपके पास सक्सेसर की डिटेल भी होगी, सक्सेसर के फिजिबल डिस्टेंस की डिटेल भी होगी, सक्सेसर के एडवर्टाइज डिस्टेंस की डिटेल भी होगी, और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास फिजिबल सक्सेसर की डिटेल भी होगी और फिजिबल सक्सेसर के फिजिबल डिस्टेंस और एडवर्टाइज डिस्टेंस की डिटेल भी हमें टोपोलॉजी टेबल के अंदर मिलेगी। लेकिन राउटिंग टेबल के अंदर हमारे पास सिर्फ सक्सेसर की डिटेल होगी, फिजिबल सक्सेसर की डिटेल नहीं होगी। लेकिन फॉर एनी रीजन अगर ये लिंक हमारे पास किसी वजह से भी डाउन हो जाता है तो राउटर, इस पर्टिकुलर राउटर को, राउटर वन को एडवर्टाइजमेंट भेजने की जरूरत ही नहीं है कि भाई ओ मेरा ये राउट जो है वो लॉस हो गया है, अब किसी और को पता है कि 10.1.1.0 तक कैसे पहुंचना है, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी फिजिबल सक्सेसर मौजूद है। सो विद इन मिली सेकेंड वो अपने टोपोलॉजी टेबल के अंदर देखेगा, हाँ मेरे पास फिजिबल सक्सेसर मौजूद है, इस फिजिबल सक्सेसर को वो अपने राउटिंग टेबल में डाल देगा और ट्रैफिक फौरन इस इंटरफेस से इस इंटरफेस की तरफ फौरन ही शिफ्ट हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई EIGRP इज वेरी वेरी फास्ट और इसकी कन्वर्जेंस जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। देन वी हैव इन अवर टर्मिनोलॉजी एक्टिव राउट। नो व्हाट इज एक्टिव राउट? एक्टिव इज नॉट गुड, एक्टिव इज बैड। अगर हमारे पास कोई भी राउट को एक्टिव हो जाता है, दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर राउटर के पास, लेट्स से कि ये नेटवर्क हमारे पास डाउन हुआ और R1 के पास हमारे पास ये फिजिबल सक्सेसर भी नहीं है टोपोलॉजी टेबल के अंदर, तो अब R1 क्या करेगा? R1 विल सेंड समथिंग कॉल्ड क्वेरी मैसेज टू इस नेबर। R1 अपने नेबर को क्वेरी मैसेज भेजना शुरू कर देगा कि भाई क्या तुम्हें पता है 10.1.1.0 का, और फिर वो क्वेरी जो है वो उसका रिप्लाई आता है, वो इन डिटेल हम अपने फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे कि वो कैसे होता है। बट जस्ट टू पॉइंट आउट के एक्टिव राउट इज बैड, एक्टिव राउट का मतलब है कि वो पर्टिकुलर राउट राउटिंग टेबल से निकल गया है, वो इस वक्त वो क्वेरीज प्रोसेस में है कि वो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि ये पर्टिकुलर राउट मेरे पास कहाँ है। And then we have a passive route, which means के route is good, routing table में जो route है वो fine है, वो काम कर रहा है, उसमें कोई problem नहीं है। So as a whole, as we have these terminologies, अब यहाँ पे हमने इन terms को तो discuss कर लिया, हमने terminology तो discuss कर ली, but I'm sure अभी भी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो struggle कर रहे होंगे between feasible distance, advertised distance and सक्सेसर कैसे होगा, फिजिबल सक्सेसर कैसे होगा। तो व्हाट आई प्लान के मैं आपको ऑन अ बिगर स्केल, यानी कुछ ज्यादा राउटर्स यूज करके हम दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि ये फिजिबल डिस्टेंस, एडवर्टाइज डिस्टेंस कैसे काम करता है और सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर वो कैसे चूज होते हैं ओवरऑल। सो विल स्टार्ट ऑफ विद दोज एग्जांपल। लेट मी ब्रिंग द पेंट है और हम जिस टोपोलॉजी पे अपनी एग्जाम्पल करेंगे वो कुछ इस तरह से है। लेट्स डू दिस इज राउटर वन, राउटर टू, राउटर थ्री, राउटर I should call it 3 and I should call it 4 and router 5 और ये सारे जो हैं वो आपस में connected हैं कुछ इस तरह से। हमने बहुत सारी रिडंडेंसी बिल्ड की हुई है और ये है जी हमारी टोपोलॉजी जिस पे हम अभी अपनी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सो लेट मी जस्ट क्लियर दैट अप अ बिट, कंफ्यूजिंग कह रहा है थोड़ा सा। एंड लेट्स पुट दिस इज राउटर 4। नाउ हमने जो डिस्कस करना है, दिस इज
द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम राउटर वन, हमने जाना है इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे, वट एवर वी हैव 10.1.1.0/24 पे। अब मैं इन लिंक्स की कुछ कॉस्ट भी यहां डिफाइन कर देता हूं। लेट्स से वी हैव अ कॉस्ट ऑफ 10 हेयर, अ कॉस्ट ऑफ 100 हेयर, वी हैव अ कॉस्ट ऑफ 100, वी हैव अ कॉस्ट ऑफ 100, सेम कॉस्ट मैं रख रहा हूं ओवरऑल 100, 100, 100 and 100। अब क्या होगा कि राउटर 5 के लिए जो टोटल डिस्टेंस टू रीच द नेटवर्क, तो इसका जो फिजिबिलिटी डिस्टेंस होगा दैट्स इक्वल टू 10। इसको एडवर्टाइज डिस्टेंस की जरूरत नहीं है बिकॉज डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हमें सिर्फ चाहिए फिजिबल डिस्टेंस। अब ये फिजिबल डिस्टेंस एडवर्टाइज होगा टू राउटर 4, और ये राउटर 4 को बताएगा कि भी एडवर्टाइज डिस्टेंस जो मेरी तरफ से जो मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं वो है 10, कि मुझे 10 की कॉस्ट पड़ती है इस नेटवर्क तक जाने के लिए। सेम वे राउटर 5 राउटर 2 की तरफ एडवर्टाइज करेगा, और ये राउटर 2 के लिए इसका एडवर्टाइज डिस्टेंस बनेगा 10, और सेम वे ये होगा टूवर्ड्स राउटर 3, और इसका भी ये एडवर्टाइज डिस्टेंस बनेगा 10। अब क्या होगा कि राउटर 2, अब इसके पास दो डिफरेंट पाथ्स हैं, ये राउटर 3 से भी होके जा सकता है राउटर 5 की तरफ, और ये डायरेक्ट भी जा सकता है राउटर 5 की तरफ। ये दोनों की कॉस्ट को देखेगा कि अगर मैं राउटर 3 से होके जाऊं तो मुझे कॉस्ट पड़ती है 100 and 100 and 10, दैट्स 210, और अगर मैं डायरेक्ट जाऊं तो मुझे कॉस्ट पड़ती है 100 + 10 = 110। तो ये जो भी लोअर वैल्यू होगी उसको प्रेफर करेगा और उसको एडवर्टाइज करेगा। तो ये कहेगा भाई मेरा जो फिजिबल डिस्टेंस है वो है 110, ये इस लिंक के थ्रू। एग्जैक्टली सेम वे राउटर 3 देखेगा कि भी मैं राउटर 2 से भी जा सकता हूं और राउटर 4 से भी जा सकता हूं, और डायरेक्ट कनेक्शन भी है, तो ये तीनों को एडअप करेगा। ये कहेगा कि अच्छा अगर मैं राउटर 2 से जाऊं तो कॉस्ट पड़ेगी 100 + 100 + 10 = 210, राउटर 4 से जाऊं तो 100 + 100 + 10 = 210, और अगर डायरेक्टली जाऊं राउटर 5 की तरफ तो दैट्स 110। तो ये लोअर वैल्यू को चूज करेगा और इसके भी फिजिबल डिस्टेंस इसका भी हो जाएगा 110। सेम वे राउटर 4, ये भी राउटर 3 से राउटर 5 तक जा सकता है और डायरेक्टली भी जा सकता है, तो ये डायरेक्टली जो इसका लिंक है उसी का लोअर वैल्यू आएगी और वो होगा 110, और यही वैल्यू एडवर्टाइज हो जाएगी टूवर्ड्स राउटर 1। तो राउटर 1 के लिए ये एडवर्टाइज डिस्टेंस बन जाएगा 110 फ्रॉम राउटर 2। राउटर 4 की तरफ से जब ये एडवर्टाइजमेंट राउटर 1 की तरफ जाएगी तो एडवर्टाइज डिस्टेंस ये हो जाएगा इसका 110 फ्रॉम राउटर 4, और जब राउटर 3 इसको एडवर्टाइज करेगा अपने फिजिबल डिस्टेंस को तो ये हो जाएगा इसका एडवर्टाइज डिस्टेंस जो ये कर रहा है वो है 110। अब राउटर 1 क्या करेगा, राउटर 1 देखेगा कि अच्छा भी मेरे पास तीन डिफरेंट रास्ते हैं जाने के 2 और 5। वेल थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो इसके पास बहुत सारे डिफरेंट रास्ते हैं, इसके पास राउटर 1 टूवर्ड्स राउटर 2 एंड देन राउटर 3 टू राउटर 5 भी जा सकता है, ये राउटर 1 जो है राउटर 4 टू राउटर 3 टू राउटर 5 भी जा सकता है। बट अगेन जब ये सारी कैलकुलेशन करेगा ये देखेगा कि लोएस्ट कौन सा है, तो लोएस्ट इसके पास जो आएगा वो होगा राउटर 1 टू राउटर 2 टू राउटर 5, और इसका फिजिबल डिस्टेंस हो जाएगा राउटर 2 के थ्रू इसका फिजिबल डिस्टेंस होगा 100 + 100 + 10 = 210। राउटर 3 के जरिए इसका फिजिबल डिस्टेंस वो हो जाएगा 210
एंड राउटर 4 के थ्रू अगर ये जाएगा तो भी इसका फिजिबल डिस्टेंस होगा 210। अब यहां पे तो प्रॉब्लम होगी, अब हमारे पास तीन राउट्स हैं, हमारे पास फिजिबल डिस्टेंस है तीनों का 210, हमारे पास एडवर्टाइज डिस्टेंस है तीनों का 210, तो हमारे पास कुछ इस तरह से एंट्री बन गई कि राउटर 1 कैन गो टू राउटर 4 एंड देन राउटर 4 कैन गो टू राउटर 5 एंड देन राउटर 5 कैन टेक अस टू दिस नेटवर्क, और राउटर 1 कैन गो टू राउटर 3 एंड राउटर 3 कैन गो टू राउटर 5, और ये राउटर 5 हमें इस नेटवर्क तक लेके जा सकता है, और इसी तरह राउटर 1 जो है वो जा सकता है राउटर 2 के पास, और राउटर 2 जा सकता है राउटर 5 के पास, और राउटर 5 हमें इस नेटवर्क की तरफ 10.1.1.0 के नेटवर्क की तरफ हमें ले जाएगा। इस सूरत में क्या होगा, ये तीनों डिफरेंट पाथ्स दे विल बी क्लास्ड एज सक्सेसर, ये तीनों के तीनों सक्सेसर बन जाएंगे, बिकॉज इनका एफडी सेम है, इनकी एडी सेम है, तो बीच में हमारे पास कोई टाई रहा नहीं कि हम वो किस चीज को चूज करें, हमने तीनों को अपने राउटिंग टेबल के अंदर डाला, हमने टोपोलॉजी टेबल के अंदर भी डाला और तीनों को हमने राउटिंग टेबल के अंदर भी डाल दिया, और हमने लोड बैलेंसिंग शुरू कर दी कॉल्ड इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। तो मीन के राउटर 1 एक पैकेट इधर फेंकेगा, एक पैकेट इधर इस पाथ पे देगा और एक पैकेट इस पाथ पे देगा। तो अब इस सिनेरियो में हमारे पास राउटर 1 के लिए तीन डिफरेंट सक्सेसर हैं। अगर एक सक्सेसर किसी भी वजह से डाउन हो जाता है तो बाकी दो को यूज कर लेगा, अगर फॉर एनी रीजन दूसरा सक्सेसर भी डाउन हो जाता है तो वो तीसरे सक्सेसर को यूज कर लेगा, तो इस तरह से वो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करेगा। अब लेट्स डू द सेम एग्जाम्पल बट लिटिल बिट डिफरेंटली। तो मुझे इसी डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, सो लेट्स ड्रॉ इट टुगेदर। लेट्स से दिस इज आवर 1, दिस इज आवर 2, दिस इज आवर 3, दिस इज आवर 4 एंड वी हैव दिस इज आवर 5 एंड आवर 5 इज अटैच्ड टू दिस नेटवर्क 10.1.1.0/24, और ये हम कनेक्शन जो है वो ड्रॉ करते हैं। हमारी टोपोलॉजी के डिफरेंट कनेक्शन हो गए हैं, ये लाइनें मेरी सीधी नहीं लग रही, बट आई मीन आपको समझ आ रही हो कि क्या हो रहा है। अब इन दिस केस मैं जो कॉस्ट रखूंगा वो मैं अब थोड़ी उसको चेंज कर रहा हूं, तो चेंज कैसे कर रहा हूं, लेट्स गिव दिस लिंक अ कॉस्ट ऑफ 1। यहां पे बताता चलूं कि ये जो कॉस्ट मैं मेंशन कर रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा मैं कम मेंशन कर रहा हूं, इन रियल वर्ल्ड में जब आप देखेंगे तो ये कॉस्ट काफी ज्यादा होगी, बट जस्ट फॉर योर रिमेम्बरेंस पर्पज, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं एक जेनेरिक फिगर ले रहा हूं जो आपको समझ में आ सके, आप उसे इजीली उसको समझ सकें। तो अब यहां पे लेट्स गिव दिस अ वैल्यू ऑफ 10, 15, लेट्स से वी हैव 20 हियर, वी हैव 10 हियर, वी हैव 10 हियर, वी हैव 15 हियर, वी हैव 20 हियर एंड वी हैव 10 हियर। अब लेट्स स्टार्ट अवर कैलकुलेशन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम R5। सो R5 का FD है फिजिबल डिस्टेंस 1 बिकॉज वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, और यही फिजिबल डिस्टेंस एडवर्टाइज होगा टूवर्ड्स R4, R3 एंड R2। तो इनका एडवर्टाइज डिस्टेंस आल से इज 1, हियर एडवर्टाइज डिस्टेंस 1 एंड एडवर्टाइज डिस्टेंस विल बी 1।
अब R2 से शुरू करते हैं, तो R2 देखेगा कि भाई मैं R5 तक पहुंच सकता हूं फ्रॉम R3 एंड देन R5, तो मेरा फिजिबल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 प्लस 15 इज 25 एंड देन 126, या मैं इस रास्ते से R5 तक पहुंचूंगा और डिजायर्ड नेटवर्क तक पहुंचूंगा तो वो मेरे पास हो जाएगा टोटल फिजिबल डिस्टेंस 11, स्मॉलेस्ट नंबर इज 11, तो ये इसको एडवर्टाइज करेगा कि मेरा जो फिजिबल डिस्टेंस है दैट इज 11। अगेन R3 भी देखेगा कि मैं R2 के जरिए पहुंच सकता हूँ, R4 के जरिए पहुंच सकता हूँ और मैं डायरेक्ट भी जा सकता हूँ, तो ये तीनों को कैलकुलेट करेगा। अगर ये R2 के जरिए जाए तो दैट विल बी 10 प्लस 10 20 एंड देन 121, R4 के जरिए जाए तो 10 प्लस 20 30 एंड देन 131, और अगर ये डायरेक्ट जाए तो 15 प्लस 1 इज 16, तो 16 लोअर वैल्यू है, तो ये कहेगा कि भी जो मेरी फिजिबल डिस्टेंस है वो है 16, क्योंकि वो लोअर है। और इसी तरह R4 का जो फिजिबल डिस्टेंस आएगा वो होगा 20 प्लस 1 इज 21, क्योंकि 21 ही लोअर वैल्यू होगी। अब R2 अपनी इस वैल्यू को एडवर्टाइज करेगा R1 की तरफ, सो R1 के लिए एडवर्टाइज डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम R2 11। R3 इस वैल्यू को एडवर्टाइज करेगा टू R1, तो R1 के लिए एडवर्टाइज डिस्टेंस होगा थ्रू R3 16, यानी R3 के जरिए उसका है 16, और R4 भी इसको एडवर्टाइज करेगा टुवर्ड्स R1, और R1 के लिए इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए थ्रू R4 एडवर्टाइज डिस्टेंस इसका जो एडवर्टाइज हो रहा है वो है 21। अब यहां पे R1 अपनी पूरा वो फिजिबल डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा कि मुझे कितनी कॉस्ट लगती है टू द नेटवर्क। अगर मैं डेस्टिनेशन की तरफ जाऊं यूजिंग R2, तो मेरा जो फिजिबल डिस्टेंस वो बनेगा 10 प्लस 10 प्लस 1 21। अगर मैं R3 को यूज करूं तो फिजिबल डिस्टेंस बनेगा 20 प्लस 15 35 प्लस 1 36, और अगर मैं R4 को यूज करूं तो मेरा फिजिबल डिस्टेंस बनेगा 15 प्लस 20 35 एंड देन 136। सो ये तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब ये इन तीनों वैल्यूज में देखेगा कि सबसे लोअर वैल्यू कौन सी है। सो सबसे लोअर वैल्यू जो इसके पास है वो है थ्रू R2, क्योंकि इसके पास FD जो आ रहा है वो है 21। सो ये क्या करेगा कि इस पर्टिकुलर पाथ को ये बन जाएगा सक्सेसर। अब ये तो हमारे पास सक्सेसर आ गया, बाकी ये दो का क्या करेगा। अब यहां पे काम आएगी हमारी फिजिबिलिटी कंडीशन। नाउ व्हाट डज फिजिबिलिटी कंडीशन सेज, फिजिबिलिटी कंडीशन सेज कि टू बिकम अ फिजिबल सक्सेसर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, सॉरी टू बिकम अ फिजिबल सक्सेसर एडवर्टाइज डिस्टेंस यानी कि AD हैज टू बी लेस देन फिजिबल डिस्टेंस ऑफ सक्सेसर, कि एडवर्टाइज डिस्टेंस को स्मॉलर होना पड़ेगा देन द FD फिजिबल डिस्टेंस ऑफ द सक्सेसर। यहां पे हमारे पास इस राउट की AD क्या है, 16। क्या ये स्मॉलर है फिजिबल डिस्टेंस ऑफ सक्सेसर से, यस इट इज स्मॉलर। सो ये हमारे पास पर्टिकुलर जो पाथ है ये फिजिबल कंडीशन को मीट कर रहा है, तो ये बन जाएगा फिजिबल सक्सेसर। अब हमारे पास ये तीसरा पाथ रह गया, तो तीसरा पाथ उसका एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या है, 21। क्या
21 स्मॉलर है फिजिबल डिस्टेंस ऑफ सक्सेसर से, फिजिबल डिस्टेंस ऑफ सक्सेसर इज 21, तो 21 स्मॉलर नहीं है 21 से। यहां पे याद रखें कि कंडीशन है कि वो स्मॉलर होना चाहिए, नॉट स्मॉलर या इक्वल, सो इट हैज टू बी स्मॉलर इन नंबर। तो इसलिए ये पर्टिकुलर पाथ विल नॉट बी अ फिजिबल सक्सेसर, तो ये पर्टिकुलर पाथ जो है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। अब ऐसा क्यों, हमारे पास जो फिजिबल कंडीशन वो इसलिए यूज होती है टू गिव EIGRP अ लूप फ्री टोपोलॉजी, तो उस ताकि हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो लूप फ्री रहे। अब आप कहेंगे सर यहां पे लूप कहां से है, थियोरेटिकली अगर मैं देखूं तो ये परफेक्टली फाइन है ये पाथ, अगर ये राउटर वन यूज करता है टू गो टू राउटर फोर एंड देन राउटर फोर सेंड द ट्रैफिक टू R5, यहां पे तो लूप है ही नहीं है। बट यहां पे हम भूल रहे हैं कि फ्रॉम R1 परस्पेक्टिव, R1 को नहीं पता कि भाई R4 के बाद कौन सा लिंक अटैच है, R1 को सिर्फ इतना पता है कि मेरे साथ एक ये लिंक अटैच है, एक ये लिंक अटैच है और एक ये लिंक अटैच है, दैट्स इट। इसके अलावा R1 को तो कोई अंदाजा ही नहीं है कि भाई इसके पास ये वाले लिंक्स भी अवेलेबल हैं, ये वाले लिंक्स भी हैं, ये वाले लिंक्स भी हैं, इनकी कॉस्ट क्या है, इनकी एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या है, इन पे फिजिबल डिस्टेंस क्या है, इनका मेट्रिक कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, R1 को कोई आइडिया नहीं है इस चीज का। तो इसलिए R1 गारंटी नहीं दे सकता कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पाथ को यूज करूं तो क्या ये पाथ लूप फ्री होगा या नहीं होगा, क्योंकि R1 के लिए सिर्फ ये लिंक काउंट कर रहा है, वो सिर्फ अपनी फिजिबल कंडीशन को देख रहा है, बाकी चीजों को नहीं देख रहा, उसे नहीं पता कि इस पर्टिकुलर लिंक पे क्या चल रहा है, क्या ये लिंक जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है R5 से, तो दैट मीन्स लूप क्रिएट नहीं होगा, R1 को इसका कोई आइडिया नहीं है। सो दैट्स वाई हमें एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हमें ऑब्वियसली टोपोलॉजी का पता होगा कि भाई ये हमारे पास टोपोलॉजी है, सो अगर हम चाह रहे हैं कि ये वाला पाथ भी फिजिबल सक्सेसर बने तो हम क्या करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर लिंक पे आएंगे और इसकी कॉस्ट को कम करेंगे टू 19 एंड देन क्या होगा, देन इसकी जो एडवर्टाइज डिस्टेंस है वो हो जाएगा 19 + 1 = 20 एंड 20 इज लेस देन फिजिबल डिस्टेंस ऑफ सक्सेसर। अब ये मीट कर रहा है फिजिबल कंडीशन को और अब ये फिजिबल सक्सेसर बन जाएगा, तो इस केस में हमारे पास ये फिजिबल सक्सेसर है और ये भी फिजिबल सक्सेसर है और एक हमारे पास सक्सेसर है, दो फिजिबल सक्सेसर है, तो एक फिजिबल सक्सेसर अगर किसी वजह से डाउन हो जाता है तो दूसरा फिजिबल सक्सेसर यूज हो जाता है। सो दिस इज द होल थिंग के जो पूरी आपकी टर्मिनोलॉजी है, एडवर्टाइज डिस्टेंस कैसे काम करता है, फिजिबल डिस्टेंस कैसे काम करता है, और फिजिबल डिस्टेंस को एक्टिव होने के लिए इट हैज टू मैच द सॉरी फिजिबल सक्सेसर को एक्टिव होने के लिए इट हैज टू मैच द फिजिबल कंडीशन, अगर फिजिबल कंडीशन मैच नहीं होगी तो ये जो फिजिबल सक्सेसर सेलेक्ट नहीं होगा। उस अगर फिजिबल सक्सेसर सेलेक्ट ना हुआ उसके लिए हम वो क्वेरी का प्रोसेस जो है वो करते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे होता है, बट फॉर नाउ जस्ट टू गिव यू ओवरव्यू ऑफ इट कि हमारे पास फिजिबल डिस्टेंस क्या होता है, एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या होता है, सक्सेसर कैसे सिलेक्ट होता है और फिजिबल सक्सेसर कैसे सिलेक्ट होता है, दिस इज द होल सिनेरियो। सो होपफुली इट वुड हैव मेड मच मोर सेंस। इन दो एग्जाम्पल्स के बाद आपको काफी चीजों का आइडिया हुआ होगा, काफी चीजों का पता होगा, या तो आप कुछ इस तरह से हो गया होंगे कि भाई कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो या तो आपको ये चीजों की समझ आई होगी बहुत अच्छे तरीके से। अगर कंफ्यूजन बढ़ गई है तो आई वुड रिकमेंड कि आप दोबारा से इस लेक्चर को देखें और डेफिनेटली आपको इस लेक्चर की समझ आएगी, और देन आपसे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेरी का प्रोसेस क्या होता है और EIGRP इन फ्रेम रिले वो कैसे काम करता है। So yeah, for now that's it. Thank you very much for listening to me. Dua mein yaad rakhiyega, apna bahut sara khyal rakhiyega. Thank you very much. Allah Hafiz.